देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में जहाँ तक देखे थे उसके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि आपको मैकेनिज्म लिखने के लिए कैसे ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होगा। तो यहाँ लिखा है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन 1 ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा स्ट्रेट चेन के अंदर। जब स्ट्रेट चेन होता है उसको नॉर्मल बोला जाता है। स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है आपका ब्रोमीन। अब आपको KCN और ये मीडियम दिया हुआ है जिसमें आपको रिएक्शन कराना है। अब कह रहा है कि इसमें क्या होगा मैकेनिज्म, SN1 होगा कि SN2 होगा। जैसा कि हम पहले आपको बताए हैं कि SN1 किस डिग्री में होता है हमारा। SN1 जो हमारा होता है 3-2-1 और SN2 1-2-3 होता है हमारा। ये कितना डिग्री हमारा है? तो डिग्री कैसे हम डिसाइड करते हैं? डिग्री हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक जिसमें ये हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन का चेक करना है तो ये कितना कार्बन से अटैच है। तो ये कितना कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से। तो डिग्री क्या होगा हमारा? 1। तो 1 डिग्री होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म। तो ठीक है, ये 1 डिग्री है SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? कोई भी जो है अब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो मैंने इसको आपको दिखाना है, दिखाइए कि आप KCN जो है, KCN में CN जो है माइनस, न्यूक्लियोफाइल जो है आपको बैक साइड से अटैक कर रहा है और ये बाहर निकल रहा है। इस पर अटैक करेगा उसी समय ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमीन के जगह पर क्या आ जाएगा आपका? साइनाइड CH3 CH2 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 C, ठीक है। बस इतना ही था इस मैकेनिज्म के अंदर। अब नीचे क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द कंपाउंड ऑफ इच सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 मैकेनिज्म लिखना है। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म में अभी हम देखे हैं कि हम डिग्री पर डिसाइड करते हैं, जितना डिग्री होगा उसके हिसाब से हम SN1 SN2। अगर 1 डिग्री है तो आपको SN2 होगा, अगर 2 डिग्री है तो दोनों होगा, और 3 डिग्री है तो SN1 होगा। अगर डिग्री सेम हो जाए तब देखते हैं कि ग्रुप जहाँ पर अटैकिंग ग्रुप हमारा है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आने में उसको कितना दिक्कत हो रहा है। ज़्यादा ब्रांच रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल को जाने में क्या होगा? ज़्यादा दिक्कत होगा। डिग्री सेम रहे तो देखते हैं ब्रांच कितना दूर है, कितना नज़दीक है, क्वेश्चन पता चलेगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब पहले हम इसको बना के दिखा देते हैं, फिर आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि किस में होगा और किस में नहीं होगा। पहले हम बना देते हैं। अब कह रहा है कि 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो आप क्या कीजिए, पहले ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन लिख दिए, हम 4 कार्बन लिख दिए, ठीक। अब कह रहा है हमको 2 पर ब्रोमीन है तो आप 1-2 इधर से लीजिए चाहे इधर से लीजिए। तो इधर से मान लीजिए लेते हैं तो 2 पे ब्रोमीन है और 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। बाकी जानते हैं कार्बन वैलेंसी 4 होता है, 4 बॉन्ड हो सकता है, तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2 और डाल दीजिए। इसके पास एक ही बॉन्ड है तो 3 डाल दीजिए, बस एक ही है 3 डाल दीजिए। नेक्स्ट है 1-ब्रोमो पेंटेन तो 5 कार्बन खींचिए और 1 पर ब्रोमीन चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए। मान लीजिए यहीं लगाने का मन है तो यहीं लगा दीजिए, ब्रोमो 1-ब्रोमो पेंटेन हो गया। बाकी एक का एक बॉन्ड है 3H, 2 बॉन्ड है 2H, 2 बॉन्ड है 2H, इस तरह से होते चल जाएगा। इसमें 2 बॉन्ड है 2H। नेक्स्ट है 2-ब्रोमो पेंटेन तो हम लिखते हैं 5 कार्बन, ठीक है। आपको 2 पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये क्या हुआ? CH3 CH CH2 CH2 CH3 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 बॉन्ड था 2H डाल सकते हैं, 2 बॉन्ड था 2H डाल सकते हैं। यहाँ 1-2-3 बॉन्ड था 1H डाले, यहाँ 1 बॉन्ड था, इस तरह से हम करते हैं। अब SN2 होने के लिए आपको बताया पहले डिग्री चेक कर लीजिए। तो ये कितना डिग्री है आपको? 1 डिग्री है, क्योंकि ये जो कार्बन है कितने से अटैच है? 1 कार्बन से। ये जो कार्बन कितने से अटैच है? इधर वाला से अटैच है और इधर वाला से अटैच है, ये कितने से अटैच है?
दो कार्बन से, इसमें कितने से अटैच है, ये कार्बन जिस पे हम, तो एक दो तीन से, तो 3 डिग्री। आपको पता चल जाएगा अब SN2 है तो किस में होता है हमारा, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में, तो किस में होगा, पहले इसमें, तब इसमें, तब इसमें। देखिए अब इसी में आपको चेक करना है कि कैसे पता लगाइएगा। तो देखिए 2-bromopentane यानी दिखा रहा है कि लास्ट में होता है हमेशा 1, यानी कि 1 ये 1 डिग्री के आसपास होगा, ये क्या बीच में है तो 2 डिग्री होगा, और दो पर दो पोजीशन में दो वो चीज़ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, रिपीट करें यानी कि 3 डिग्री होगा आपका। तो सिंपल सा है, किस में होगा, इसमें, तब इसमें, तब इसमें। अगर नंबरिंग कर दें इसको 1, 2, इसको 3 कर दें तो किस में होगा, तो सबसे पहले 2 में होगा SN2, फिर 3 में होगा, फिर 1 में होगा। इस ढंग से हम देखते हैं SN2 का, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट में है 1-bromo, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1-bromo-2-methyl-butane, तो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन खींचिए पहले, ठीक है। क्या है, 1 पर ब्रोमीन लगा दीजिए, 3 पे मिथाइल लगा दीजिए, इसके तुलना में हम 3 खींचना है, बाकी जो H दो बॉन्ड है, 2H दो बॉन्ड है, 2H 1H 3H, फिर 2-bromo-2-methyl-butane, तो ब्यूटेन 4 कार्बन खींचिए, 2 पर ब्रोमीन नहीं चाहिए, इस 2 पर रखिए, चाहिए इधर से गिनिए, चाहिए इधर से, मैंने इधर से ही देखिए, इधर 2-bromo, उसी पे क्या है मिथाइल भी लगा हुआ है, अब इधर 1 बॉन्ड है 3H, 4 बॉन्ड है कोई एच नहीं, 2 बॉन्ड है 2H, 1 बॉन्ड है 3H। अब कह रहा 3-bromo-2-methyl-butane, तो आप क्या कीजिए, ब्यूटेन है, ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन खींचिए, अब कहते हैं 2 पे मिथाइल लगवा दे, इधर से 2 के लिए मान लीजिए इधर से भी ले सकते हैं, और 3 पे ब्रोम है तो यहाँ ब्रोमीन डाल दीजिए, ठीक है। ये क्या होगा CH3, 3 बॉन्ड है 1H, 3 बॉन्ड है 1H, और ये CH3, ठीक है। तो ये है आपका, तो इसमें डिग्री डिसाइड करिए, ये कार्बन कितना से अटैच है, एक इधर, एक दो कार्बन से तो क्या हुआ 2 डिग्री, ये कार्बन कितना से, एक दो तीन से अटैच है क्या हुआ 3 डिग्री, ये कितना से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है ये कार्बन, क्या हुआ 1 डिग्री, तो किसमें फास्ट होगा, इसमें, तब इसमें, तब इसमें। देखिए अगर एक ही पोजिशन में दो चीज़ रिपीट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ 3 डिग्री हो गया, जो केस हो गया, यानी सबसे ये लिस्ट हो जाएगा, सबसे बाद में ये आएगा। जितना दुखे आपको ये 2-methyl-3-bromo, ठीक है, तो थोड़ा सा नज़दीक है, यहाँ थोड़ा सा और दूर हो रहा है, तो जितना दूर जाएगा ये 1 पोजीशन पर लगेगा मान 1 डिग्री होगा, ये 2 पोजीशन में लगेगा कम से कम 2 डिग्री होगा, और 2 पोजीशन पर अगर 2 लगेगा देखा होगा 3 डिग्री होगा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, इसमें, फिर इसमें, तब इसमें, यही चीज़ है उसके ऊपर में, ठीक है। तो ऊपर में भी क्या है 1-bromo-3-methyl, तो आपका 1-bromo-3-methyl केस हो गया, अब देखिए 2-bromo-2-methyl तो ये हो गया, फिर क्या 3-bromo-2-methyl तो ये हो गया। तो हम बताए हैं कि देखने से पता चलता है यह दूर है या 1 पोजीशन में ब्रोमीन लगा हो, क्यों यहीं पे न्यूक्लियोफाइल करेगा, ये थोड़ा दूर है, और जितना नज़दीक जाएगा उतना न्यूक्लियोफाइलिक अटैक घटते जाएगा। तो ये जो है आपका, ये दूर है, यहाँ क्या है, यहाँ पर है 3 पे मिथाइल, यहाँ क्या है 2 पे मिथाइल, तो थोड़ा नज़दीक है, जल्दी आने देगा तो क्या होगा, इसमें पहले होगा तब इसमें होगा, क्योंकि सेम पोजीशन इसमें सबसे लिस्ट इसमें हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इसमें इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, तो किस में सबसे ज़्यादा होगा 1 में, फिर आपको 3 में,
फिर टू में, इस तरह से हम देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन ब्रोमो ब्यूटेन, तो लिखिए चार कार्बन, वन ब्रोमो मिलेगा वहाँ लिख दिए, तो ये इसमें दो बॉन्ड है, दो एच दो बॉन्ड है, दो एच दो बॉन्ड, दो एच एक बॉन्ड है, थ्री एच, वन ब्रोमो टू टू डाइमिथाइल पेंटेन, पांच कार्बन लिखिए, ठीक है, वन पर ब्रोमो तो सी एस टू, दो बॉन्ड है सी एस टू, दो बॉन्ड है सी एस टू, दो बॉन्ड है सी एस टू, सी एस थ्री। अब कह रहे हैं टू टू डाई मिथाइल लगा, तो दो पे तो यहाँ पर लगा दीजिए मिथाइल, तो सी एस थ्री सी एस थ्री, ठीक है, तो ये हो गया। तो ओ ये प्रोपेन लिखा हुआ है तो आपको इधर ही के, तो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन, तो वन ब्रोमो वन पोजीशन पे, दूसरे पे क्या दो मिथाइल, अब प्रोपेन लिखना है तो इसमें क्या है तीन कार्बन होना चाहिए, तो तीन कार्बन हो गए, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर है वन ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, तो वन ब्रोमो, ठीक है, तो वन ब्रोमो टू पे मिथाइल, तो टू पे वन टू पे क्या लिखेंगे मिथाइल और ब्यूटेन है, चार कारण हो गया, तीन बॉन्ड है यहाँ पर एक एच, दो बॉन्ड है दो एच, यहाँ पर दो एच दो बॉन्ड है तीन एच। फिर है आपका वन ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूटेन, तो अब है वन ब्रोमो ब्यूटेन है, चार कारण लिखिए, वन पे ब्रोमीन लगाइए और थ्री पे मिथाइल लगाइए, तो मान लीजिए यहाँ पर आप मिथाइल लगाए, अब लिख दीजिए। अब कह रहा है इसमें कि डिग्री डिसाइड करते हैं, ये कितना पर लगा हुआ है, ये कितना कार्बन से अटैच है, इसके जस्ट पीछे एक है तो वन डिग्री, ये कितना से अटैच है तो ये भी है वन डिग्री, अब ये कितना से अटैच है इसके पीछे एक ही कार्बन है तो ये भी वन डिग्री, अब इसके कितना से अटैच है ये भी क्या है वन डिग्री। अब कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो अब हम आपको बताए थे कि इसको कैसे डिसाइड करना है, इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि अगर कोई चीज़ अटैक कर रहा है आपका, कहीं अटैक करता है, तो मान लें कि हम यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो मान लें कि ये है ग्रुप, हम यहाँ जाएंगे अटैक करने के लिए, तो क्या होगा कि ये दिक्कत करेगा इसमें, क्योंकि जितना जो भी अटैकिंग ग्रुप होता है उसके पास लोन पेयर होगा, और जो भी ग्रुप होगा जैसे कोई भी ग्रुप है सबके पास क्या होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो होगा इलेक्ट्रॉन होगा ही, तो जैसे ही जाएगा तो इसके बीच में क्या रिपल्सन होगा, थोड़ा दूर आएगा थोड़ा रिपल्सन कम होगा, थोड़ा और दूर आएगा तो आसान है, ये जितना दूर ग्रुप होते जाएगा इसको यहाँ पर अटैक करना उतना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर जाकर अटैक करें तो ये सब क्या करेगा, इसको रिपल्सन करेगा, अब यहाँ पर जाए रिपल्सन करेगा, यहाँ पर है इसके तुलना में इसमें देखें तो क्या है थोड़ा कम रिपल्सन, थोड़ा दूर चला गया, ये थोड़ा नज़दीक आ गया, इसमें और ग्रुप आ गया तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसी के अंदर होगा, ठीक है, और ये भी वन डिग्री, यहाँ तो कोई रिपल्सन है तो सबसे फास्ट किस में हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा होगा, तो इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ही वन ब्रोमो कोई ब्रांच नहीं लगा, यानी सबसे फास्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब है वन ब्रोमो टू टू डाइमिथाइल, आपके दो तो ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर, तो क्या होगा थोड़ा कठिन ज़्यादा हो जाएगा इसके तुलना में, यहाँ क्या है वन ब्रोमो टू मिथाइल, इसके तुलना थोड़ा सा इसमें आसान होगा, आपके वन थी देखिए कितना दूरी पे है एक और तीन पे, तो इसके तुलना में इसमें सबसे आसान होगा, यानी कि सबसे आसान किस में होगा पहला में, ठीक है, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं लगा हुआ है, इस सब में ब्रांच लगा हुआ, इसमें क्या है सबसे दूर है, इसमें थोड़ा सा दूर है, इसमें सेम दूरी पे लेकिन ज़्यादा ब्रांच लगा हुआ है, तो यानी कि हमको सबसे पहले कैसे डिसाइड करें जितना दूर हो, तो ये सबसे दूर हो गया, वन के बाद क्या होगा
फोर हो गया। अब इन दोनों में डिसाइड करना है तो एक ही दो पर है, ये भी दो पर, लेकिन इसमें दो ब्रांच लगा हुआ है, इसमें ज़्यादा स्टडी क्राउड होगा, दो लोग धक लेगा उसको, मान दो लोगों का ग्रुप हो तो क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन होगा, मान धक्का मुक्की ज़्यादा होगा इसके अंदर, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो अटैक स्लो हो जाएगा, तो बेहतर किस पे होगा, इस पे हो जाएगा, यानी कि थ्री पे। उसके बाद किस पे होगा, टू पे। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ दिस, ये दोनों में से जो है मोर इजली हाइड्रोलाइज कौन हो। हाइड्रोलाइज क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज मतलब, हाइड्रोलाइसिस मतलब OH का किसी ग्रुप का रिप्लेसमेंट करना, ठीक है। तो अब यहाँ क्लोरीन है, इसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। अब है किसको इजीली रिप्लेस करेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे किसको जल्दी रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि कहीं अगर आप SN1 SN2 पता चल जाए कि SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है, तब इजीली पता चल जाएगा किसमें फास्ट, क्योंकि डिग्री के अंतर ये क्या है आपका A, अगर इसको लिखिएगा C6H5, यानी कि बेंजीन के केस हो गया, ठीक। यहाँ है ये, इसको हम, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, C6H5 को इस ढंग से हम इंडिकेट करते हैं। तो आपको दिया है कि इसमें से और इसमें से अगर हमको डिग्री पता चल जाए तो बहुत कुछ पता चल जाएगा, तो हमें डिग्री पता चल गया। ये क्या हुआ, एक कार्बन से अटैच, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ दो कार्बन से अटैच है, तो टू डिग्री हो गए। अब डिग्री ही पता चल गया। अभी कैसे पता चलेगा, अगर SN1 होगा तो इसमें फास्ट होगा, अगर SN2 होगा तो इसमें फास्ट होगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा। तो देखिए, जब भी आपको एक्वस का केस दिया रहेगा, ठीक है, एक्वस जल्दी जब दिया रहेगा तो समझिए कि आपको SN1 होने वाला है। SN2 के लिए एक्चुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला जाता है, जो आप लोग को पढ़ना नहीं है 12th लेवल में। आप SN1 के लिए आपको पोलर सॉल्वेंट डाला जाता है, SN2 के लिए आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला जाता है। तो सिंपल से ऐसे समझिए कि वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, जब वाटर दिया हुआ है यानी एक्वस दिया हुआ है, एक्वस दिया है मतलब ये पोलर है, तो पोलर है तो किसको बढ़ाएगा, पोलर, पोलर को सॉल्वेंट का मतलब कि पोलर सॉल्वेंट SN1 को बढ़ाता है, ठीक है। क्यों बढ़ाता है उसके पीछे भी रीजन, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं, आप लोग 12th लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, तो आपको सिंपल सा है कि अगर आपको SN1 है तो 2 डिग्री होगा, इसमें हो जाएगा फास्टर, ठीक है, क्योंकि ये जो है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। एक SN1 मैकेनिज्म हम देखते हैं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पर जो ये इसको कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी क्या होता है, इसको बॉन्ड को तोड़ देने के बाद क्लोरीन हटा दीजिए, क्लोरीन हटाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज आता है, और यहाँ क्लोरीन हटाइए तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों में देखा जाता है कहाँ प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, वैसे डिग्री से ही आप लोगों को लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री है 3 डिग्री तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ ये भी एक्चुअली स्टेबलाइज करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि प्लस चार्ज है, तो प्लस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऐसा ग्रुप चाहिए उसको जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये क्या है, ये दोनों दे रहा है, स्टेबलाइज हो गया। अब यहाँ पे एक बेंजीन दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ दो दे रहा है तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, इसलिए इसमें आपको फास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल सा इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू, अगर एक लाइन में लिखना है तो अगर डिग्री के हिसाब से लिखिएगा तो ऐसे लिख दीजिएगा कि अगर आप 1 डिग्री, ये अगर आपका ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, इसलिए इसमें SN1 जो है फास्ट होगा, इसमें से रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सिंस इसमें लिख दीजिएगा, सिंस इट फॉलो SN1 मैकेनिज्म, सो 2 डिग्री हैलाइड्स
जो भी अल्काइल है तो एरियल हेड जो भी होगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स। सो 2 डिग्री अल्काइल हैड मोर रिएक्टिव रिएक्टिव दैन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ऐसे भी लिखिएगा या सिंपल, आपको अगर कुछ नहीं लिखना है, आपको पता चल गया है कि ये होगा, सिंपल से लिखिए डिग्री लिख दीजिएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अब कह रहा है कि पी डाई क्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर सॉल्विटी। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, क्योंकि इसमें कितना होगा तो ये तो आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होगा, तो आप पता नहीं लगा सकते हैं किसका कितना होगा। तो हम रिलेटिव टर्म लेंगे कि इसके तुलना में इसका ज़्यादा होगा या इसके तुलना में इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लेंगे, तो कहता है पी डाइक्लोरोबेंजीन। तो देखिए पी मतलब पारा पोजिशन पर, तो एक यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, एक यहाँ होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा तो यहाँ, क्योंकि अगर यहाँ स्टार्ट करेंगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा, यहाँ स्टार्ट करेंगे तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पारा। ठीक है, इसलिए अपोजिट साइड वाले पारा हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ स्टार्ट कीजिए तो पारा क्या होगा, ये वाला होगा, इसको ऐसे लिख देंगे। अब है ऑर्थो मेटा से ज़्यादा है तो ऑर्थो कैसे लिखेंगे, यहाँ से अगर शुरू किए तो ऑर्थो ये हो जाएगा, और मेटा अगर आप यहाँ से शुरू किए थे मेटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर किसी बॉक्स के अंदर आपको रखना है अगर इसको ये तीनों में से, तो देखिए इस तरह से इसको काटिएगा, इसको कैसे काटिएगा, ये ढंग से काटेगा, ये कैसे काटेगा, इसको भी कुछ इस ढंग से काटना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको बॉक्स में कौन अटेगा, ये टुकड़ा। ठीक है, और ठीक है सॉल्विटी होता क्या है, देखिए कोई चीज़ जैसे आप नमक डालते हैं पानी के अंदर तो क्या होता है, वो NaCl अलग हो जाता है, NaCl इसका मतलब क्या है, वो सोल्यूबल है। तो किसी चीज़ को हम अलग करने के को कहते हैं सॉल्विटी। तो अगर ये फिट यानी कि ऐसा ऐसा बहुत सारा टुकड़ा इस एक बॉक्स के अंदर आएगा, ऐसा ऐसा कम टुकड़ा अंदर आएगा, तो ऐसा ऐसा ज़्यादा आएगा, तो इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है ज़्यादा है, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है। तो इसीलिए इसका क्या होगा कि जो बॉन्ड होगा इस दोनों के आपस में, इस दोनों से ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि जितना अटैचमेंट रहता है, अगर आपका दीवार इतना मोटा है ठीक है तो उसको तोड़ना, और दीवार इतना मोटा है उसको तोड़ना, किसको आसानी से तोड़ सकते हैं, जिसका दीवार पतला है। तो इसका दीवार इतना मोटा है, इसका थोड़ा सा पतला है, तो इसको तोड़ना है माने कि उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, मतलब वो इजीली क्या होगा, सोलेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी अगर हमको लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, इसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट है क्या जहाँ पर जाके वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, इसीलिए तो इसमें क्या हो जाएगा कि ज़्यादा बल वाला फोर्स काम कर रहा है, इससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, लोअर सॉल्युबिलिटी, तो सिंपल सा बात है कि जब इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो सोल्युबल आसानी से होगा नहीं। ठीक है, यही रीज़न है। तो इसमें सीधे लिखना है ड्यू टू, ये क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसका सिमेट्रिकल नहीं है, ये क्या है आपका सिमेट्री है, ये सब के अंदर सिमेट्री नहीं है, देखते हैं एकदम स्ट्रेट है, तो कहते हैं ड्यू टू सिमेट्री। तो इसमें सीधे लिख देना है ड्यू टू सिमेट्री,
ये क्या होगा, किसी बॉक्स के अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर ज़्यादा होगा ड्यू टू सिमेट्री, इट फिट इनटू क्रिस्टल मोर देन ऑर्थो एंड पारा आइसोमर के तुलना में एक क्रिस्टल के अंदर ज़्यादा फिट होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि ज़्यादा ताकत लगाना तो सोलेबल जल्दी होगा नहीं, इसलिए इसका सोलेबिलिटी घट जाता है। ठीक है।